तब उसके बाद परीक्षा जब सब साफ सुथरे तरीके से हुआ तो लोगों की अपेक्षाएं उम्मीदें इस हद तक बढ़ गई कि लोग अब ये भी बात करने लगे कि सीटेट में जो लोग अनुत्तीर्ण हो गए वो कहने लगे कि 5% रिलैक्सेशन कर दीजिए ताकि मेरे पास सभी समस्या का समाधान हो, वो भी मेरे ही अधिकार क्षेत्र में लगता है कि जैसे है। या टीआरई में भी लोग पता नहीं कैसे लोग 5% अतिरिक्त रिलैक्सेशन की बात करने लगे। उसके बाद अभ्यर्थी हजार गलतियां करें, सर्टिफिकेट्स में तरह तरह की गलती करें, बोले कि मेरा यह गलती हो गया, मुझसे यह गलती हो गया, मुझे और मौका मिले। और इतनी गलतियों के बावजूद भी जब वो आयोग से यह अपेक्षा करने लगे कि हम तो टाइमली रिजल्ट दे दें और अगर हमें विलंब हो रहा है तो हम भ्रष्टाचारी हैं, अगर हम OMR में विलंब से अगर कर रहे हैं तो भ्रष्टाचारी हैं, रिजल्ट टाइम पर नहीं दे रहे हैं, तुरंत नहीं दे रहे हैं, चाहे उनकी कितनी भी गलतियां हों लेकिन हम अगर रिजल्ट टाइम पर नहीं दे रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। सब कुछ होने के बाद अब जब अभ्यर्थी इतनी अपेक्षाएं अपनी बढ़ा लिए और आप लोग भी बढ़ा लिए तो सरकार भी पीछे क्यों रहती। तो सरकार ने भी हम लोगों से ये अपेक्षा किया कि भाई आप रिजल्ट के साथ साथ जिला भी आवंटित कर दें, अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम हम लोग चरणबद्ध तरीके से घोषित कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि कल हम लोगों ने लगभग 16 विषयों का परीक्षाफल घोषित किया और आज भी एक वेबसाइट पर एक आ चुका है एक पॉलिटिकल साइंस का, और आने वाले समय में हम लोग एक दो दिन में सभी परीक्षाफल घोषित कर देंगे।